केरल सरकार एक नियम बनाती है जिसके तहत लैंड रिफॉर्म किया जाता है। लैंड रिफॉर्म के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि बड़ी ज़मीनें ज़्यादा लोग न रख पाए, क्योंकि अंग्रेज जब थे तो जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिए थे, क्योंकि जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों को टैक्स वसूलना बड़ा ईजी हो जाता था। बड़े बड़े ज़मींदार बना देते थे और एक ही बार टैक्स ले लेते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ये जमींदारी प्रथा बहुत गड़बड़ हो गई, तो केरल सरकार ने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया था, जिसके तहत बड़े आकार के जमीनों पर सरकार कुछ नियम लगाई थी, जिसमें एक मठ था, पूजा पाठ का मठ नहीं होता वहां पे, उसकी बहुत बड़ी जमीन थी, ज्यादा कई एकड़ की जमीन थी, कई सौ एकड़ की जमीन, तो उस पर केरल सरकार ने कहा कि अब ये सरकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकारी हो जाएगी। अब उस मठ के जो मतलब मुख्य जो मठाधीश जो चेयरमैन हो जाते केशवानंद भारती थे, अब उन्होंने चैलेंज कर दिया इसको कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, और चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो गोलकनाथ में कितने थे, गोलकनाथ में, अब आए केशवानंद, कौन सा केशवानंद, केशवानंद में 13 जज बैठे। हमेशा जज ऑड नंबर में रखे जाते ताकि फैसला सुनाने में इजी रहे। अगर मान के चल 14 रखेगा तो 7 को कहेगा हाँ, 7 को कहेगा ना, फिर जब बवाले हो जाएगा। तो 13 जज रखा गया, कितने जज रखे गए, 13 जज। अब 13 जज रखा गया, इसमें सुनवाई हुई। केशवानंद भारती का कहना था कि हमारा कई सौ एकड़ का जगह है, वहां से हमें कुछ खेती भी मिलती है, कुछ वहां मेला वाला भी लगे, जो मतलब जो भी उससे हमारा धार्मिक प्रबंधन करते हैं, आपको हम बहुत पहले पढ़ा दिए थे। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, और 26 कहता है सामूहिक, मतलब उसमें मैनेजमेंट भी आ जाता है सामूहिक रूप से। तो केशवानंद भारती ये मुकदमा आर्टिकल 25 लेके नहीं पहुंचे थे, 26 लेके पहुंचे थे कि हमें इसके मैनेज करने का अधिकार है। अब इसमें भीषण बवाल हो गया, आधे जज कह रहे हैं कि नहीं केरल सही कह रहा है, और आधे जज का कहना था कि केरल गलत कर रहा है। अब ये पूरा भयंकर बवाल हुआ यहां पर, लगभग 2.5 महीना कंटिन्यू इसकी बहस चली थी, मतलब डेली सुनवाई होते था, हियरिंग करते करते। अब देखिए बाबरी मस्जिद का मामला हमेशा एकदम कहा गया कि नहीं निपटाना ही निपटाना है, डेली हियरिंग करने लगा था। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस चली थी इस पे, इसमें केशवानंद भारती हार गए थे, सरकार के पक्ष में फैसला आ गया था, तो और कहा गया कि सरकार संशोधन कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन फाइनली कर सकती है। और ये इतना जबर फैसला खतरनाक था, पैसे सोचिए 13 में से 7 और 6 से फैसला आया कि 7 जज कह रहे थे सब कर सकती है और 6 कह रहा कि नहीं कर सकती, यानी केशवानंद भारती भले केस हार गए लेकिन उनका जो ये जजमेंट बना ये बहुत महत्वपूर्ण बना। इस जजमेंट को सुनाने से पहले कई विदेशी देशों की संविधान को पढ़ा गया, और ध्यान में रखकर इस जजमेंट में भले केशवानंद भारती हार गए, उनकी जो जमीन थी एरिया वो किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन रहना भी जरूरी है, नहीं पता चला गवर्नमेंट है कुछ जमीनें नहीं है यहाँ पे, जमींदारी खत्म करना बहुत जरूरी था यहाँ पे। तो 7-6 से फैसला आया, गवर्नमेंट के पेपर में कितना आया, सॉरी मतलब संशोधन कर सकते थे उसका, और ये हो गया 6-6। तो कुछ लोग मतलब आप समझिए कितना कांटे का टक्कर चल रहा है, 7-6 से फैसला आया था यहाँ पर। तो आगे बढ़ जाते हैं, 7-6 से क्या आ गया, फैसला आ गया, केशवानंद भारती क्या हो गए, केसर। लेकिन इसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत तल्ख टिप्पणी की थी, क्योंकि जब संविधान अध्ययन किया जा रहा था ये फैसला लेने से पहले, तो कहा गया था कि विदेशी संविधान को भी देखा जाए, क्योंकि संशोधन की शक्तियां अगर बहुत ज्यादा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जर्मनी का एक संविधान देखा गया, जर्मनी के संविधान में हिटलर के पास जब आया पावर तो हिटलर सेनापति था, लेकिन वाम हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई तो टेम्पोररी चांसलर बना, वहां के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, चांसलर। अब वहां के संविधान में एक गड़बड़ लिखा हुआ था, क्या चीज गलती क्या थी समझिए, वो हम लोग के भी संविधान में था कि 2/3 बहुमत से कोई भी विधेयक पास हो सकता है, 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पास हो जाए, हमारे यहां भी है 2/3 बहुमत से ज्यादातर विधेयक पास हो जाते हैं, नहीं तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति ले ली। लेकिन जर्मनी के संविधान में गड़बड़ी क्या था, 2/3 बहुमत से संविधान पास हो सकता है, अब ध्यान से समझ, संशोधन पास हो सकता है। हिटलर ने संशोधन किया कि जर्मनी में लोकतंत्र खत्म, जर्मनी में होगी तानाशाही। अब सुप्रीम कोर्ट में लोग लेके गए मामला को चैलेंज करने, तो न्याय तो अंधा होता है, कानून अंधा होता है। अब जब संविधान में ही लिखा हुआ है तो जज का कहना है कि देखो भैया कौन मार किया, कौन क्राइम छुपाया, ये हमारा काम नहीं है,
इतना हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए दूगो को लड़ा के अपने जज मजा लेगा बीच में। कहेगा एक काम करो वकील साहब, आप फीस लेते हैं, आप खोजिए कि मुजरिम कहां गलती किया था कि हम सजा दें। इधर वाले वकील, आप वकील साहब आप भी पैसा लेते हैं, आप कोशिश कीजिए कि मुजरिम को बचा ले। तो बचाने के लिए वकील खूब मेहनत करेगा, साहब ऐसे नहीं, ऐसे मिलॉर्ड ऐसे नहीं, आप ये उस समय तो था ही नहीं। एगो सजा एक बचाने के लिए कहेगा, अरे गो ये वही था, इसका टावर लोकेशन देखा जाए। जज साहब खूब खुश होते, अरे ससुर टावरों खोज के लाया है। जज साहब मांगेंगे, लाइए देखे, देखिए एयरटेल का सिम यूज कर रहा था इस समय, मर्डर के समय इसका टावर लोकेशन यही था। तो वो कहेगा मिलॉर्ड ऑब्जेक्शन, ये नंबर इसकी पत्नी का है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जज को कोई काम ही नहीं है, जज का कोई खास दिमाग नहीं हुआ, टुकु टुकु देखना, अच्छा अच्छा लड़ बाबू लड़ 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 तगड़ा लड़ यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो रियल में न्यायपालिका की मदद अगर कोई करता है ना भाई साहब वकील, वो कर खोद खोद ऐसे नीसन बात निकालेगा जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। आई दूसर, अब मान के चलिए एगो जमीन कोई लिखा गया, ठीक है, तो कोई जमीन लिख दिया आपने छोटका लिखा के नाम पे, तो एगो वकील रहेगा, नहीं ये जमीन छोटका लड़का के नाम पे लिखा गया था, मिलॉर्ड इनकी संपत्ति थी, इन्होंने लिख दिया तो क्या गलत किया? अब एकर वकील आएगा, मिलॉर्ड जिस दिन इनकी जमीन लिखी गई थी उससे 2 महीना पहले इनका इलाज चल रहा था, दिमाग का दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ले जज साहब कहेंगे अरे तरीका ये भी बात है क्या? जज कहेंगे अरे यार ये कैसे, अच्छा ले आप मेडिकल रिपोर्ट, ले आप मेडिकल रिपोर्ट। देखिए 1996 में इसका यहां डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने इनको दिया था कि आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, या तो जमीन तो गड़बड़ हो गया है। जज साहब का सारा काम को निपटा देते हैं वकील, वरना जज पागल हो जाए उतना फाइल पढ़ने बैठे तो यहाँ पर। इसलिए जज के पास कुछ भी कहिएगा ना तुरंत पेशकार होता है, एक तो तुरंत वहां पे दे देगा, देखे 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 कुंची है यहाँ पे सबूत, देखिए ये देखिए एकदम सीसीटीवी फुटेज यही मारिए रहा है, देखेंगे यहाँ पे और ही तरीका। तले ओ कहेगा ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड ये एडिटेड है, अरे एडिटेड है, सरकारी कंपनी को बुलाया जाएगा, ये तुम जांच कर तो ये एडिटेड तो नहीं है। अब अगर एडिट किए जाइएगा ना तो जांच में पता चल जाता है कि एडिट किया गया, वो जांच रिपोर्ट आएगी तो कहे अगली तारीख को, इसकी अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, 20 जुलाई को हियरिंग की जाएगी, और वहाँ जज अपने लिख देता है कि 20 जुलाई को कौन सी देखेगा, प्रूफ ऑफ वीडियो। अब 20 तारीख को जब आइएगा ना पता चला ये जज का ट्रांसफर हो गया, दूसर जज आया, अच्छा 20 तारीख को क्या होगा जी, प्रूफ ऑफ वीडियो, वीडियो कौन प्रूफ था? तो जज कहा हाँ सर पहलका वाले जज साहब थे ना उनको हम सीसीटीवी दिखाते हैं, वो कह रहा था फर्जी हम कह रहे ओरिजिनल है, अरे वीडियो हो गया देख लिया, हाँ निपटा दिया गया। ऐसा सिस्टम बनाया गया ना कि जज आए जाए प्रमोशन हो ट्रांसफर हो रिटायर हो कोई बहस नहीं। तो न्यायपालिका चलती है वकीलों पे, इसलिए कोर्ट देखिएगा वकीलों को ज्यादा टॉर्चर नहीं करता, जज साहब का आधा काम आसान कर देते हैं, मना दोनों एक वोट के कहो सब की जा वकील साहब, हाँ वकील साहब मिल जाते हैं, साहब आप ही फैसला सुनाइए। अब जज साहब को पूरा पन्ना पढ़ना पड़ेगा, ले पढ़ रहे हैं जज साहब को तो पर्सनल कोई फीस मिलती नहीं है, वो तो सैलरी मिलती है उनको, लेकिन वकील को पर्सनल फीस, कोई बढ़िया आदमी मिलेगा आज केस जीता दो इतना पैसा दे देंगे। समझ आ गया कि नहीं? तो ससुरा हिटलर देखे का कांड किया था, ससुरा संशोधन करके वह बदल दिया। केशवानंद भारती में कहा गया कि सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है और चाहे जहां भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा था वो नहीं बदलना चाहिए। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा मूल ढांचा कहता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, ना हम किसी जाति को वैल्यू देंगे ना किसी धर्म को देंगे, हम पंथ निरपेक्ष हैं। अब सरकार संशोधन लेके जाएगी, एक काम कीजिए लोकतंत्र के जगह राजतंत्र कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, आप संशोधन कहीं भी कर सकते हैं, ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब इसी में मोदी जी आए थे न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके, पास करा दिए, पासों हो गया, राष्ट्रपति भी क्या कर दिए हैं साइन कर, हालांकि न्यायिक नियुक्ति मनमोहन सिंह के समय से ही चल रहा था, तो जीएसटी भी तो उन्हीं के समय से चल रहा था, आए ये पास करा दिए यहाँ पे, तो संशोधन करा दिए, और संशोधन हो गया, तब तक मामला गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आप, संशोधन करके हिटलर वाला काम,
कि माने जजों की नियुक्ति आप ही कीजिएगा, लाइए इधर लाइए यहाँ पे, सहियार के एकदम निपटा दिया गया। जज साहब लिखे कि ये न्यायपाल, जब पूरा फैसला लिखा जाता है ना कि जब मूल संविधान बनाया जा रहा था तो भीमराव अंबेडकर ने इस पे ये टिप्पणियां की थी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा, अर्थात मूल ढांचा यह कहता है कि संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, मूल ढांचा को सुरक्षित रखना। और केस उसके बाद नीचे लिखेगा जज अपने फैसला में, केशवानंद विवाद में 7-6 के फैसले से यह अधिकार दिया गया था कि संसद कभी भी मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी, अर्थात आपके द्वारा पारित किया गया यह विधेयक न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायालय की स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, अतः इस विधेयक को रद्द किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धड़ाम, निपट गए निपट गए कि नहीं निपट गए, तो बताइए। केशवानंद भारती हार गए केस, केशवानंद भारती हार गए केस, लेकिन जब जब यह देश जिंदा रहेगा, जो लड़का पॉलिटी पढ़ेगा वो केशवानंद भारती का केस पढ़ेगा, और यही वह केस था जिसमें वो हारने गए। इस केस में केशवानंद भारती हार गए थे लेकिन देश जीत गया था, यही वो डिसीजन था जिसमें कहा गया था मनमाना संशोधन होने नहीं देंगे, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम, यही बात था किसका, केशवानंद भारती का। आज कोई सरकार आ जाए कुछ भी कर दे लेकिन मूल ढांचा रहेगा। अंबेडकर साहब का जो मूल ढांचा था, संविधान निर्माताओं का जो मूल ढांचा था जिसलिए हमें आजादी मिली थी, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो केशवानंद भारती जीते थे नहीं लेकिन देश जीत गया था यहाँ पर। इसलिए जब जब आप हैं, आने वाले समय में आपके बाल बच्चे आएंगे पढ़ने तो उनको भी पढ़ाएंगे कि तुम्हारे पापा को और तुम्हारी मम्मी को हम ये पढ़ाए थे केशवानंद भारती, अब तुमको भी पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग से जाके पूछेगा पापा पापा मम्मी मम्मी सर ऐसा पढ़ाए थे तो आप लोग को याद आएगा। समझ में आ गया कि नहीं, याद तो बहुत आएगा जब आप लोग अपनी दुनिया में सफल हो जाएंगे तब। समझ में आ गया कि नहीं, चलिए तो केशवानंद समझ में आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मिनर्मा मिल उसको भी समझा देंगे, मंडे को क्लास करेंगे, ठीक है।